हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिकली एप्लीकेशंस क्यों डाउनलोड होती हैं, इसका क्या सलूशन है वो आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके सारे मेथड आपको मैं बताऊंगा और इस वीडियो के बाद शायद आप किसी भी और यूट्यूब की वीडियो को ना देखें, तो ऐसा मैं आपको सलूशन बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में आती क्यों है, ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन इंस्टॉल क्यों होती हैं। दोस्तों इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि डेवलपर सिर्फ इस वजह से की होती है कि वो जाकर दूसरों के मोबाइल में स्पैम फैला सके, यानी कि उनकी परमिशंस अलाउ कर सके आपके मोबाइल में और ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के अपना पैसा बना सके। तो इंटरनेट पर आपको ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिन पर ये एप्लीकेशंस अवेलेबल रहती हैं और एक दफ़े डाउनलोड हो जाने के बाद वो आपके डिवाइस में दिखती नहीं है और दिखने के बाद और वो एप्लीकेशन जो है परमिशंस आपसे अलाउ करवा लेती हैं, जिसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली ही एप्लीकेशंस डाउनलोड होती हैं और आपको पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप सोचते हैं दोस्तों आपके मोबाइल में जो है फ्लैश जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है क्रैश हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम भी होती है लेकिन 19% तक ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे जो नेट इंटरनेट पर एप्लीकेशन अवेलेबल रहती हैं वो आपके में स्पैम यानी वायरस फैला देती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि दोस्तों हम उसको पकड़ कैसे सकते हैं, यानी अपने मोबाइल में से उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं क्योंकि वो एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल्ड नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले मैं इसके जो है सोल्यूशन के लिए आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे आना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये वाली एप्लीकेशंस दिखेगी, तो आपको ऐसी एप्लीकेशंस जितनी भी दिखे दोस्तों आपके डाउनलोड एप्लीकेशंस में, तो उन सबको दोस्तों अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी जो हमारे कंट्रोल करता है वो एक्सेसिबिलिटी के थ्रू ही, सर्विसेज के थ्रू ही होता है, तो सबसे बड़ी जो है सर्विसेज हमारी एक्सेसिबिलिटी में रहती है। तो खोलते ही दोस्तों यहाँ पर आपको सर्विसेज मिल जाएगी। दोस्तों दो एप्लीकेशंस की यहाँ पर मेरी परमिशंस दिख रही है, बाकी दो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट ही हमारी एप्लीकेशंस में होती हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको ऐसी एप्लीकेशंस दिखे जो कि आपको पता हो कि ये नहीं होनी चाहिए, तो उन सब को यहाँ पर क्लिक करके उनको ऑफ़ कर दीजिए। जैसे ही आप उनको ऑफ़ करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपके इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से फिर उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यही एक सोल्यूशन है दोस्तों इसका। अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर उड़ जाते हैं तो दोस्तों मैं उसका सोल्यूशन आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों आपको YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर फ्लैश यानी फ्लैश को डालना आपको दिखा देता है आपके मोबाइल को फ्लैश करके, तो ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप नहीं सीखना चाहते, आप नहीं देखना चाहते YouTube पर वीडियो, तो आप सर्विस सेंटर में जाकर अपने मोबाइल को फ्लैश लगवा सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर भी कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें खुशी मिलती है दोस्तों जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी जो भी मेहनत का फल है वो हमें मिल रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।